हाय, क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस, ये इसके कंटेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। Now let us talk about this chapter number 2, Rights in the Indian Constitution. Indian Constitution में काफ़ी सारे rights दिए हैं। कुछ fundamental rights होते हैं, कुछ constitutional rights होते हैं, कुछ legal rights होते हैं। Let us have a quick discussion of all of these. ये book हम line by line, हर word, हर sentence पढ़ने वाले हैं। Introduction. A constitution is not only about the composition of the various organs of the government. गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन केवल उसका कंपोजिशन नहीं होता, एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। एज वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट सेट्स लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो पावर है वो अनब्रिडल्ड नहीं होना चाहिए, अनचेक्ड एंड एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट उस पावर को लिमिट करता है और एंश्योर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन उस पावर को लिमिट करता है, एंश्योर करता है डेमोक्रेटिक सिस्टम इन विच ऑल पर्सन्स एन्जॉय सर्टेन राइट्स। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फंडामेंटल राइट्स कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल्सो मेंशंस द लिमिट्स ऑन दीज राइट्स। पास्ट 6 डेकेड्स स्कोप ऑफ राइट्स चेंज हुआ है, अमेंडमेंट्स हुए हैं इवन फंडामेंटल राइट्स में भी, एंड इन सम रेस्पेक्ट ये एक्सपैंड भी हुआ है। After studying this chapter, you would know. अभी हम basically class 11th में हैं, तो हमारा discussion हम इस book तक ही restrict रखेंगे. What are the various fundamental rights listed in the Constitution of India? How these rights are protected? And what role the judiciary, judiciary का एक बहुत बड़ा role होता है, played in protecting and interpreting these rights. That is why इसको custodian of the Constitution भी कहा जाता है. What is the difference between the fundamental rights and the directive principles of state policy? ये हम पूरा इस chapter में पढ़ने वाले हैं। Let us begin. Chapter 2, Rights in the Indian Constitution. सबसे पहला जो सवाल उठता है वो ये है कि rights क्यों ज़रूरी है, importance of rights क्यों ज़रूरी है। तो ये कुछ examples हैं। For example, 1982 में construction work हो रहा है Asian Games का, government engaged है few contractors के साथ। These contractors employed a large number of very poor construction worker from different parts of the country to build the flyover and stadium. ये contract दिया और workers से ये construction करवाया। These workers were kept in poor working condition. इनकी working conditions correct नहीं थी and were paid less than the minimum wages decided by the government. तो working condition भी अच्छी नहीं मिली और wages भी उनको proper नहीं दिए गए। A team of social scientists studied their poor condition and petition file किया Supreme Court में. They argued that employing a person to work for less than a minimum prescribed wages amount to beggari या फिर forced labor होता है, which is a violation of the fundamental right. आप बेगारी करा रहे हो, forced labor करा रहे हो, proper उनको salary नहीं दे रहे हो, तो ये abolition, ये violation है fundamental right का, exploitation हो रहा है यहाँ पे. कोर्ट ने एक्सेप्ट किया प्ली को और डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को टू एंश्योर दैट थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स गेट द प्रिस्क्राइब्ड वेजेस फॉर देयर वर्क। तो ये एक एग्जांपल नंबर 1 है जिसमें पता चलता है कि फंडामेंटल राइट्स क्यों इतने एसेंशियल हैं। ये सेफगार्ड करते हैं हमें अगेंस्ट सो मैनी टायरेनिकल पावर्स। देन ये दूसरा एग्जाम्पल है, मच्छल लालंग 23 वॉज अरेस्टेड। ये रेसिडेंट ऑफ चुबरी विलेजेस ऑफ मोरेगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम है। Machal was charged of causing grievous injuries. He was found mentally too unstable to stand trial and was sent as under trial to Lokpriya Gopinath Bardoli Mental Hospital in Tejpur for treatment. Machal was treated successfully and doctors wrote twice to jail authorities in 67 and 96 that he was fit to stand trial. But no one paid any attention, so Machal Lalang remained in judicial custody. फाइनली जुलाई 2005 में 77 जब ईयर्स हो गए, सी 23 में अरेस्ट हुआ था, नाउ 77 ईयर ओल्ड, ही स्पेंड 54 ईयर्स अंडर कस्टडी ड्यूरिंग विच ही हिज केस नेवर कम अप फॉर हियरिंग।
He was freed when a team appointed by National Human Rights Commission, NHRC, बहुत important body है, intervened after an inspection of under trials in the state. तो ये है example number 2. ये भी बता रहा है कि क्यों fundamental rights इतने important है. So, Machal का जो entire life है, ये waste हो गया, because a proper trial against him never took place. हमारा constitution gives every citizen the right to life and liberty. इसका मतलब है that every citizen must also have the right to fair and speedy trial. Fair, timely action is important. Fair and speedy trial. Machal's case shows what happens when rights granted by the constitution are not available in practice. तो ये मचल ने केस ने हमें फिर ये emphasize किया कि rights होना कितना ज़रूरी है. मचल अगर rich होता, powerful होता, what if those working with the construction contractor were engineers, तो क्या would their rights have been violated? इंडिया में right to equality है, ये हम आगे देखेंगे. So, ये कुछ cases हमारा platform set करते हैं कि क्यों rights होना इतना ज़रूरी है constitution में. In the case of the first instance, also there was violation of rights provided in the constitution, but it was challenged in the court. तो कुछ rights को आप challenge में challenge कर सकते हैं court में भी. As a result, workers could get what was due to them in the form of rightful wages. Constitution में guarantee है rights का against exploitation, ensured justice to these worker. हमारे यहाँ right against exploitation है, आपसे बेगारी नहीं हो सकता, ये bonded labor is not allowed. तो इसका अगर हम root देखें तो एक होता है Bill of Rights. Bill of Rights, both these examples show कि क्यों इतना important है rights and actual implementation of these rights. Democracy mein must ensure zaruri hai that individuals have certain rights and government will always recognize these rights. Now this is important, rights hona bhi zaruri hai aur unka recognition hona bhi zaruri hai. Therefore, it is often a practice in most democratic countries to list the rights of the citizens in the constitution itself. Matlab, constitution mein pehle se inform kar diya ki these all are rights given to its citizens. Such a list of rights mentioned and protected by the constitution is called the Bill of Rights. To Bill of Rights kya hota hai? Wo sare rights hai, list hai, jo constitution mein mention hai. A Bill of Rights prohibit government from thus acting against the rights of the individual and ensure a remedy in case there is a violation of these rights. तो Bill of Rights क्या कर रहा है? Government को बार कर रहा है certain action से, और अगर कुछ गलत होता है तो remedy भी provide करा रहा है. From whom does a constitution protect the rights of the individual? Now ये प्रश्न उठता है कि ये जो rights हैं ये किससे हमें protect कर रहे हैं? The rights of a person may be threatened by another person. कोई दूसरा person आपके rights को threaten कर सकता है, कोई private organization हो सकती है. So in such a situation, the individual would need the protection of the government. So it is necessary that the government is bound to protect the rights of the individual. तो इस case में government bound है individuals के rights को protect करने के लिए. On the other hand, the organs of the government, जैसे कि legislature, executive, bureaucracy या फिर judiciary itself, in the course of their functioning may violate the rights of the person. तो there has to be certain mechanism जो ordinary citizen को protect करे, उनके fundamental rights, certain rights को protect करे from different government से भी और fellow citizens के साथ भी. So I get it. The Bill of the Right is like a warranty card hai that we get when we purchase a TV or a fan, isn't it? Absolutely. आप अगर इंडिया के सिटीजन हो तो आपको ये वारंटी कार्ड मिला है, इतने राइट्स आपको एनश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. नाउ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. सो ड्यूरिंग अवर फ्रीडम स्ट्रगल द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट्स एंड डिमांडेड ब्रिटिश शुड रेस्पेक्ट राइट्स ऑफ द पीपल. पहले इंडिया में ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें कुछ राइट्स होने चाहिए जो गवर्नमेंट की टायरनी से हमें प्रोटेक्ट करे. मोतीलाल नेहरू जी की एक कमेटी थी, उन्होंने डिमांड किया बिल ऑफ राइट्स एज फार बैक एज इन 1928 में ही बिल ऑफ राइट्स की डिमांड आ गई थी. इट वॉज देयरफॉर नेचुरल दैट व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बींग प्रिपेयर्ड there were no two opinions on the inclusion and protection of rights in the constitution. तो ये बात एकदम तय था कि हमें constitution में rights लाने हैं.
Constitution listed the rights that would be specially protected and called them fundamental rights. तो कुछ ऐसे rights होंगे जिनको fundamental rights कहा जाएगा. The word fundamental suggests that these rights are so important that the Constitution has separately listed them. अलग से इनका एक list बना है और made special provision है, कुछ extra features हैं for their protection. Fundamental rights are so important that the Constitution itself ensures that they are not violated by the government. Government कभी भी इन fundamental rights को violate नहीं कर पाएगी. तो हमने fundamental rights में भी ऐसे certain provisions add किए. Fundamental rights are different from other rights available to us. While ordinary legal rights जो होते हैं वो protected होते हैं, enforced होते हैं by ordinary law. मतलब कि ordinary right है तो वो ordinary law से protected होगा. अगर वो fundamental right है तो ये protected and guaranteed by the constitution of the country itself होगा. तो इनका weightage बढ़ जाता है. Ordinary rights may be changed by the legislature by ordinary process of law making. लॉ मेकिंग एक प्रोसेस होती है, तो लॉ मेकिंग से ऑर्डिनरी राइट्स को ये चेंज कर सकता है लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो कानून बनाते हैं. एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है वो इन लॉज को फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी इन लॉज का रिव्यू कर सकती है. सो ये एक फंडामेंटल राइट है, मे ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. सो बिसाइड्स दिस, नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन अ मैनर दैट वॉयलेट्स देम. सो गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन इसको वॉयलेट नहीं कर पाएगा फंडामेंटल राइट्स को. एज वी शैल स्टडी बिलो इन दिस चैप्टर, जुडिशरी हैज़ द पावर. जुडिशरी को कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. उसके पास पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वॉयलेशन बाय एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. Executive as well as legislative action can be declared illegal. Executive भी मतलब सरकार ने कोई action लिया, legislative भी मतलब parliament ने कोई कानून बनाया, judiciary उसको declare कर सकती है illegal. अगर वो violate करता है fundamental right या restrict करता है उनको in unreasonable manner में. However, fundamental rights are not absolute or unlimited भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि fundamental right मिल गए हैं मतलब वो absolute चीज़ हो गई है. No, ये सब जो होते हैं ये qualified होते हैं. Government can put reasonable restriction on the exercise of our fundamental rights itself. जैसे emergency power के time पे, emergency rule में, fundamental rights में भी कुछ changes आ सकते हैं. ये है Bill of Rights in the South African Constitution. साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इनॉग्रेट हुआ था दिसंबर 1996 में. इसका जो क्रिएशन है, प्रोमलगेशन है, टुक प्लेस एट अ टाइम व्हेन साउथ अफ्रीका स्टिल फेस द थ्रेट ऑफ अ सिविल वॉर आफ्टर द डिसॉल्यूशन ऑफ द अपार्थाइड गवर्नमेंट. साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी, यहाँ पे भेदभाव होता था डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ स्किन. तो ये अपार्थाइड सिस्टम था वहाँ पे, और ये अपार्थाइड सिस्टम जब एंड हुआ तब भी वहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन थी. सिविल वॉर का मतलब होता है लोग आपस में कंट्री के एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फॉरेनर नहीं, इन फाइटिंग हो रही है. तो इस पूरे बैकड्रॉप में साउथ अफ्रीका में ये कॉन्स्टिट्यूशन आया. साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है बिल ऑफ राइट्स इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है साउथ अफ्रीका का. ये फॉरबिड करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मार्शल स्टेटस, एथनिक और सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कॉन्शियस बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज और बर्थ को. इट ग्रांट्स परहैप्स द मोस्ट एक्सटेंसिव रेंज ऑफ राइट्स टू द सिटीजन्स. तो ये सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स देता है. स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होंगी, वो एनफोर्स कराएंगी राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन था. सम ऑफ द राइट्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका क्या है? सी, इनमें हर जगह इक्विटी की बात है, बराबरी होनी चाहिए हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए. तो यहाँ पे डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है. डिग्निटी, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल वर्ड. राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस होना चाहिए, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट है, एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट भी है. हेल्दी एंड प्रोटेक्शन, एडिक्वेट हाउसिंग होनी चाहिए, हेल्थ केयर, फूड, वाटर, सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए, चिल्ड्रन राइट है, राइट टू बेसिक और हायर एजुकेशन होना चाहिए, कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ को राइट है, और इंफॉर्मेशन को भी राइट है. तो ये है बिल ऑफ राइट्स साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का. तो ये जो राइट्स है ये हमने लगाए ताकि गवर्नमेंट अनब्रिडल्ड पावर नहीं कर पाए और एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो कॉमन सिटीजन्स का.
ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये अभी हमने पढ़ा कि कॉमन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में साउथ अफ्रीका एंड दिस साउथ अफ्रीका इम्प्लिसिट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाउ वी हैव गॉट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि राइट्स क्यों होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्यों ज़रूरी है। साउथ अफ्रीका का भी हमने एग्जाम्पल देखा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑल दीज राइट्स वन बाय वन। राइट टू इक्वालिटी, मतलब हमारे यहाँ बराबरी का अधिकार है सबको। कंसिडर द फॉलोइंग टू सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन है, सिमिलर थिंग्स डू हैपन, कैन हैपन, हाइपोथेटिकल है ये। डू यू थिंक दे इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट? फॉर एग्जाम्पल, स्वदेश कुमार है, ये विजिट कर रहे हैं अपने विलेज, ही इज़ अकॉम्पेड बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। दे डिसाइडेड टू हैव अ कप ऑफ टी एट द विलेज रोड साइड होटल। शॉपकीपर स्वदेश कुमार को जानते हैं बट आस्क द नेम ऑफ हिज फ्रेंड टू नो हिज कास्ट। आफ्टर दिस द शॉपकीपर सर्व टी टू सर्वेश स्वदेश कुमार इन अ नाइस मग एंड फिर वहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया बिकॉज अर्दन कप बिकॉज ही वॉज दलित। तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। एन ऑर्डर इज सर्व फॉर 4 न्यूज रीडर ऑफ अ टेलीविजन चैनल दैट दे वुड बी नो लॉन्गर रीड द न्यूज ऑन स्क्रीन, दे आर ऑल वुमेन। तो वुमेन बेस्ड यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया। द रीजन गिवन इज दैट दे आर अबव द एज ऑफ 45। 2 मेल न्यूज रीडर्स अबव द सेम एज आर नॉट बार्ड फ्रॉम प्रेजेंटिंग द न्यूज। तो अगर वुमेन है 40 प्लस है 45 प्लस है तो उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, और वही अगर मैन है तो दैट इज़ ओके फॉर देम। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट है। तो ये है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्लियर बताते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन होता है और ये डिस्क्रिमिनेशन को ही स्टॉप करना है। वन इंस्टेंस डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट, दूसरे में ये जेंडर में है। अब आप बताइए, डू यू थिंक सच डिस्क्रिमिनेशन इज जस्टिफाइड? एब्सोल्युटली नो। तो इसीलिए राइट टू इक्वालिटी आता है। लेट अस हैव अ क्विक ब्रीफ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक ब्रीफ देख लेते हैं, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। आगे हम इन्हें इंडिविजुअली भी देखेंगे। लेट अस हैव अ क्विक ब्रीफ ओवर हियर। दिस इज राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी बराबरी, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, लॉ के सामने सब बराबर है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा, ये एक हो गया। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होगा ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये चीज़ें ना सुनाई देती है ना दिखाई देती है, तो इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स एट्सेट्रा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड एबॉलिशन ऑफ टाइटल। तो ये राइट टू इक्वालिटी है, इसके अंदर ये सारे इसके सब पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में प्रोटेक्शन दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, एक्सप्रेशन का, असेंबली एंड पीसफुली कैसे आपको वो अक्वायर करनी है, एसोसिएशन और यूनियंस का है, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन एंड दिस इज मूवमेंट। हम रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं एनी पार्ट ऑफ इंडिया, प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोफेशन, कैरी कर सकते हैं ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेसेस। नाउ अगेन आई अंडरस्टैंड इसमें बहुत सारे फाइन लाइंस भी होती हैं, कुछ रूल्स पर्टिकुलर लॉज भी आ सकते हैं, बट ब्रॉडली अभी हम बस समझ रहे हैं कि थीम क्या है। तो थीम ये है प्रोटेक्शन राइट जो है वो इन सब चीज़ों का हमें मिला है राइट, और ये फंडामेंटल राइट है। प्रोटेक्शन है इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कोई ऑफेंस किया है तो भी आपको सर्टेन राइट्स मिलेंगे। राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू एजुकेशन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट है एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस भी है। देन दिस इज फ्रीडम। ये है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब प्रोहिबिशन है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का और फोर्स्ड लेबर का भी। प्रोहिबिशन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब। हैजार्डस जॉब में प्रोहिबिशन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन का भी। सो दिस इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस है, फ्री प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। यू कैन डू वॉट एवर आपका जो बोल रहा है मन, यू कैन डू दैट थिंग। फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन, एवरीथिंग। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स भी हैं। फ्रीडम टू पे टैक्सेस, वॉट एवर रिलीजन यू आर फॉलोइंग यू आर नॉट सपोज टू पे एनी टैक्स, प्रमोशन फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं, वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी है। तो ये हुए राइट टू फ्रीडम रिलीजन का। फिर आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चर और एजुकेशन। प्रोटेक्शन है लैंग्वेज का, कल्चर ऑफ माइनॉरिटी।
राइट ऑफ माइनॉरिटी जो है वो एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब माइनॉरिटीज़ को अधिकार दिया गया है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे, तो ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हो गए। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, अगर ये जो चीज़ें लिखी है यहाँ पे अगर ये फॉलो नहीं हुई तो यू कैन गो टू द कोर्ट, यू कैन मूव टू द कोर्ट, इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट। तो ये बहुत ब्रीफली हमने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट थ्री में ये सारी चीज़ें मेंशन है, अभी हम इसे आगे डिटेल में देखेंगे। सो राइट टू इक्वालिटी हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे राइट्स टू डू अवे विद सच एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, ये प्रोवाइड करेगा इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस में, शॉप्स में, होटल्स में, एंटरटेनमेंट वेल्स, बाथिंग घाट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप में भी। देर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन दिस एक्सेस ऑन द ग्राउंड ओनली टू रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये प्रोहिबिट करता है एनी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन एनी ऑफ द अबव मेंशन बेसिस, एम्प्लॉयमेंट में भी इन सब बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दिस राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ अवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस इन द पास्ट। ये जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी का, ये वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनइक्वालिटी रहा है। दिस हैज़ बीन अबॉलिश्ड अंडर द राइट टू इक्वालिटी। The same right also provides that state shall confer no title on a person except those who excel themselves in military and academic field, because these titles are earned. Thus, right to equality strive karta hai to make India a true democracy by ensuring a sense of equality of dignity status among all of citizens. So, have you read the preamble to our constitution? How does it describe equality? You will find that the preamble mentioned two things about equality. See, यहाँ पे titles की बात है, कुछ titles in general नहीं देने हैं, but some titles जैसे military है, for example आप major हैं, captain, colonel, ये titles different है। Academic titles है, like आपने doctorate किया है, these titles are different. तो इनका exception है, in general ये titles जो होते थे पहले वो allowed नहीं है। Then this is 16.4. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizens, which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. So that is why equity versus equality section ko hame sabko uplift karna hai, to isme thoda difference aa jata hai is right jo article 16.4 hai। सो दैट इज़ वाई जो रिजर्वेशन है सीट्स का, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। नाउ यहाँ पे लिखा है जो स्टेट एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एन्जॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी, बट सोसाइटी में देर आर वेरियस काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। सो वॉट डज इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स? Constitution clarify करता है, the government can implement special schemes and measures for improving the conditions of certain sections of society, जैसे कि children, women, socially or educationally अगर backward classes हैं। So you may have heard about reservation in jobs or admissions maybe. You would have wondered why there are reservations if we follow the principle of equality. So that is why Article 16.4 of the Constitution explicitly clarify करता है कि जो reservation चीज़ है that will not be seen as a violation of right to equality. If you see the spirit of the Constitution, this is required for the fulfillment of right to equality of opportunity, because some sections of society need some extra care. So that is why they are provided with certain extra privileges. सो दिस क्लैरिफाई कि आर्टिकल 16.4 बताता है राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है दीज रिजर्वेशन पॉलिसीज। नाउ आप एक जज हो, यू हैव रिसीव्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम अ पर्सन हु आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी, पूरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। मैन फ्रॉम दिस कम्युनिटी रिफ्यूज टू फॉलो अ कस्टम दैट रिक्वायर्ड देम टू वॉश द फीट ऑफ द ग्रूम एंड गेस्ट ऑफ द अपर कास्ट ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनी। इन रिवेंज ये कम्युनिटी वर बिटन अप अनदर वर्स दिस। सो पोस्ट कार्ड राइटर सेज अवर चिल्ड्रन आर एजुकेटेड एंड दे आर नॉट विलिंग टू डू द कस्टमरी जॉब ऑफ वॉशिंग द फीट ऑफ दिस, क्लियर द लेफ्ट ओवर्स आफ्टर द दिस फीस्ट एंड वॉश दिस। सो इसको अज्यूम करके यू हैव टू डिसाइड, नाउ दिस इज अगेन अ ग्रॉस वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, एब्सोल्युटली दिस केस इन्वॉल्व वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, हाउ वुड यू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू डू इन द केस? तो डिस्क्रिमिनेशन
इस केस में जो हो रहा है दैट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। नाउ आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब किसी की भी लाइफ को डिप्राइव नहीं किया जाएगा, बट अगर उसने कुछ गुनाह किया है उसको कॉन्विक्ट डिक्लेयर करता है, कोर्ट उसको सजा सुनाती है, देन दैट इज़ अ डिफरेंट केस। सो डिप्राइव नहीं होगा लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट according to procedure established by law, so that is article 21। अब ये है right to freedom, equality है, freedom है, liberty है, are the two rights that are most essential to a democracy। it is not possible to think of the one without thinking of the other। equality भी होनी चाहिए और freedom, liberty भी होनी चाहिए। liberty का मतलब होता है freedom of thought है, expression है और action है। however it does not mean फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट वन डिज़ायर। आपको फ्रीडम है एक्सप्रेशन करने का, अपना व्यू पॉइंट देने का, बट ये फ्रीडम आपकी एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। इट डजेंट मीन कि आप थर्ड पर्सन को हर्ट कर रहे हैं या फिर आप अननेसेसरी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये क्वालिफाइड है। इट डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट वन डिज़ायर्स और लाइक। इफ दैट वर टू बी परमिटेड देन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय देयर फ्रीडम। So therefore, the freedoms are defined in such a manner that every person will enjoy her freedom without threatening freedom of the other. Your freedom is important, someone else's freedom is also important. So your freedom should not threaten freedom of others and without endangering the law and order situation. तो मतलब आपका जो freedom है वो किसी दूसरे की freedom को threaten नहीं करना चाहिए, at the same time वो law and order situation भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज द क्राइटेरिया। अब यहाँ बात आती है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। मीनवाइल डज इट मीन दैट इन सम केसेस समवंस लाइफ कैन बी टेकन अवे बाय लॉ? यस, ऐसा होता है। दैट साउंड स्ट्रेंज, कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल? अभी रिसेंटली निर्भया कॉन्विक्ट को हैंग किया गया था, दैट वॉज अ जस्ट केस। तो ऐसा होता है, रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से ये ऐसा किया जा सकता है। सो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये फॉरमोस्ट राइट है। अमंग राइट्स टू फ्रीडम इज़ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। नो सिटीजन्स कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड हिज और पर्सनल लिबर्टी, दैट मीन्स नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बींग टोल्ड द ग्राउंड्स फॉर सच एन अरेस्ट। अरेस्ट हो रहा है तो उनको बताना पड़ेगा किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है। इफ़ अरेस्टेड द पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। उनको वकील करने का अधिकार है। ऑल्सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक द दैट पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। तो 24 घंटे में पुलिस को नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट है उसके पास लेके जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट हु इज नॉट पार्ट ऑफ द पुलिस विल डिसाइड कि अरेस्ट जस्टिफाइड है या नॉट है। तो ये पुलिस जो एट्रोसिटीज़ हैं या एक्सेस हो जाती है इनको चेक करने के लिए भी ये राइट्स यहाँ पे मिले हैं, पुलिस इन द सेंस गवर्नमेंट। सो दिस राइट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू अ गारंटी अगेंस्ट टेकिंग अवे ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ, बट ये वाइडर एप्लीकेशन है। वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ दिस राइट। ये जो राइट टू लाइफ है ना, इसका बहुत ब्रॉडर इंटरप्रटेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि दिस राइट also includes right to live with human dignity. Now, human dignity is a very important word. Human dignity essential hai, free from exploitation. The court has held that right to shelter and livelihood is also included in the right to life because no person can live without the means of living. Ye agar nahi hai, toh phir wo person kaise live karega? Wahan pe dignity nahi hogi. Toh shelter aur livelihood bhi isme included hai. That means of livelihood. So, this is राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ फिर आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो ऑर्डिनरली ए पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और शी हैज़ रिपोर्टेडली कमिटेड सम ऑफेंस। यूजुअली ऐसा होता है, अगर ऑफेंस किया है तो डिटेंशन होगा। हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस। समटाइम्स अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एन एप्रीहेंशन। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन है वहाँ पे, कि कुछ गलत होना था उससे पहले ही अरेस्ट कर लिया गया। that he or she is likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some time without following the above mentioned procedure. This is known as preventive detention. It means that if the government feels that a person can be threat to law and order or to the peace
एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इसको अगर वो थ्रेट दे रहा है सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को, तो इट कैन डिटेन और अरेस्ट दैट पर्सन. दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 मंथ. तो इसमें भी एक लिमिट लग गया है कि 3 महीने से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं होगा. आफ्टर 3 मंथ सच अ केस इज ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू. तो अगर ऐसा करने की ज़रूरत पड़ी तो फिर एडवाइजरी बोर्ड उसको रिव्यू करेगा. ऑन द फेस ऑफ इट, प्रिवेंटिव डिटेंशन लुक्स लाइक एन इफेक्टिव टूल इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट टू डील विद एंटी सोशल एलिमेंट्स और सबवर्सिव्स. बट दिस प्रोविजन हैज़ ऑफन बीन मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट. अब ये प्रोविज़न है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, तो यूजुअली ये एक गुडविल के थ्रू बनाया गया है, बट समटाइम्स इसका मिसयूज़ भी होता है. मैनी पीपल थिंक दैट देयर वुड बी ग्रेटर सेफगार्ड्स इन दिस लॉ सो दैट इट मे नॉट बी मिसयूज्ड अगेंस्ट पीपल फॉर रीजन्स अदर देन विच आर रियली जस्टिफाइड. तो दैट इज़ वाई सेफगार्ड्स होना ज़रूरी है. जैसे यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड है, अगर 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन हो रहा है तो इन फैक्ट देर इज़ अ क्लियर टेंशन बिटवीन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो एवरीथिंग जो है ना वो सब रिलेटिव होती है, क्वालिफाइड होती है, वो एब्सोल्यूट नहीं होती. तो इन सब चीज़ों में इस तरीके से ये सब आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं. दूसरे फ्रीडम्स क्या मिले हैं? यू कैन सी दैट अंडर द राइट टू फ्रीडम देर आर सम अदर राइट्स एज वेल. ये जो राइट्स हैं हाउएवर आर नॉट एब्सोल्यूट. ये राइट्स हैं बट ये एब्सोल्यूट नहीं है. सो ईच ऑफ दीज इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट. अब बिकॉज वो एब्सोल्यूट नहीं है तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी. तो राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, उनमें सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. ये कुछ दूसरे फ्रीडम रिलेटेड राइट्स हैं. ये हैं जैसे रिस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर पे है, पीस पे है, मोरालिटी पे है, फ्रीडम टू असेंबल टू इज एन टू बी एक्सरसाइज पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, अभी COVID-19 है, COVID-19 के कारण एक सोशल थ्रेट भी हो सकता है. सो दैट इज़ वाई जो असेंबली है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं. द गवर्नमेंट मे इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन सर्टेन एरियाज डिक्लेयरिंग द असेंबली ऑफ 5 or more पर्सन एज अनलॉफुल. ये गवर्नमेंट को राइट दिया गया है. सच पावर्स कैन बी ईजिली मिसयूज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. सो जो जेन्युइन प्रोटेस्ट होता है अगेंस्ट एन एक्ट और पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल मे बी डिनाइड. परमिशन नहीं मिलेगी प्रोटेस्ट करने की. बट इफ द पीपल आर अवेयर एंड विजिलेंट इन रिगार्ड ऑफ देयर राइट्स टू देयर राइट्स एंड चूज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच एक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सच मिसयूज बिकम्स रेयर. सो दैट इज़ वाई किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो होते हैं उसके पीपल. पीपल अगर एजुकेटेड है, वेल अवेयर है, राइट्स जानते हैं, तो गवर्नमेंट भी रेस्पॉन्सिबली एक्ट करती है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ, सम मेंबर्स हैड एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फेक्शन अबाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स, बट दे आर देयर. ये रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट इतने साल हो जाने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए हैं. नाउ सोमनाथ लहरी जी ने 47 में ये लिखा था कि आई फील दैट मैनी ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पुलिस कॉन्स्टेबल. You will find that many very minimum rights have been conceded and almost invariably followed by a provision. तो ये counter view है. Almost every article is followed by a provision which takes away the right almost completely. तो मतलब you have given right but दूसरे हाथ से आपने उसमें conditions applied लिख दिया. What should be our conception of fundamental right? We want to incorporate every one of those rights which our people want to get. तो ये जब constitutional frame हो रहा था, constitution frame हो रहा था, तो इसमें भी ऐसी voices लिखी गई थी, ऐसी voices noted हैं. Now rights of accused है. हमारे constitution में ensure है कि person accused of various offences would also get sufficient protection. मतलब accused है वो तब भी उन्हें protection दिया जाएगा. We often tend to believe that anyone who is charged with some offense is guilty. हमें ऐसा लगता है कि अगर चार्ज लग गया है मतलब वो गिल्टी है. नो, गिल्टी तो बाद में आता है, कोर्ट डिसाइड करती है. नो वन इज़ गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज़ फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस. तो जब तक कोर्ट ने नहीं उसको प्रूव किया है तब तक वो गिल्टी नहीं है उस ऑफेंस का. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट अ पर्सन अक्यूज ऑफ एनी क्राइम शुड गेट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हरसेल्फ और हिमसेल्फ. पर्सन को पूरा हक है अपनी बात कहने का, डिफेंड करने का. टू एंश्योर अ फेयर ट्रायल इन कोर्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड 3 rights. सो दैट इज़ वाई ये कुछ राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. नो पर्सन शैल वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस.
एक ऑफेंस हुआ है उस पे आप दो बार किसी पर्सन को पनिश नहीं कर सकते, मोर देन वन पर्सन, एक गलती की एक सज़ा, ये नहीं कि बार बार उसको सज़ा मिल रही है। नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट, मतलब बैक डेट में नहीं, आज आपने एक क्रिमिनल लॉ बनाया तो आप उसको 2000 या 20 ईयर्स पुराने केस के साथ लिंक नहीं कर सकते हैं, बैक डेट पे वो नहीं होगा। इसमें और भी फाइन डिटेल्स हैं, विल सी इन हायर क्लासेस। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, आप खुद का एविडेंस नहीं दे सकते अगेंस्ट भी और फेवर में भी, एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो ये राइडर्स हैं यहाँ पे। नाउ ये अब आता है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो अभी हमने क्या देखा, राइट ये फ्रीडम रिलेटेड राइट्स देखे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण राइट है। हमारे कंट्री में देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड है, डिप्राइव्ड है, दे मे बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन बाय देयर फेलो ह्यूमन बींग्स। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन अवर कंट्री है बेगारी कराना, फोर्स लेबर कराना। हमारे सोसाइटी का ये पेनफुल पास्ट रहा है कि ये प्रैक्टिस काफ़ी प्रिवेलेंट थी वंस अपॉन अ टाइम, विदाउट पेमेंट काम कराना। अनदर क्लोजली रिलेटेड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है कि बइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर नॉट कमोडिटी, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उनको सेल और परचेज करना यूजिंग देम एज अ स्लेव्स इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्स लेबर वॉज इम्पोज बाय लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स और दूसरे वेल्दी पर्सनस इन द पास्ट। सम फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर स्टिल कंटिन्यूज इन द कंट्री, especially in brick kiln work में अभी भी ऐसा हो रहा है। It has now been declared a crime and it is punishable। तो ये है exploitation, नहीं होने देना है। जैसे बच्चों को कई बार ऐसे काम पर लगाया जाता है। Name the fundamental rights whose violation is depicted in this photograph। बताइए यहाँ पर इस youngsters को, young children को ऐसे work में लगाया गया है। So the constitution also forbid employment of children below the age of 14 years in dangerous jobs, जैसे factories में, mines में, यहाँ आप work नहीं करा सकते। Child labor made illegal, right to education है, becoming a fundamental right for children, so this right against exploitation has become more meaningful। अब ये है right to freedom of religion, religion का हमें हर किसी को एक right मिला है। According to our constitution, everyone enjoys the right to follow the religion of his or her choice. This freedom is considered as a hallmark. ये हमारे democracy का hallmark है. Historically, there were rulers, emperors थे different part of the world में who did not allow residents of their country to enjoy the rights to freedom of religion. पहले ऐसे time पे ऐसा होता था कि लोगों को अपनी पसंद का धर्म choose करने की इजाज़त नहीं होती थी। Persons following a religion different from that of the ruler were either persecuted or forced conversion होता था official religion of the ruler में। So therefore democracy has always incorporated कि freedom है to follow the religion of one's choice, आपकी जो choice है go ahead, one of its basic principles। ये है freedom of faith and worship। India में everyone is free to choose a religion and practice that religion। Freedom of religion जो है ये include करती है freedom of conscience को भी। This means that a person may choose any religion or may choose not to follow any religion. It's up to you. Freedom of religion includes the freedom to profess, follow, propagate. हम क्या कर सकते हैं? Profess कर सकते हैं, हम स्वीकार, profess, follow और उसको propagate भी कर सकते हैं, किसी भी religion को उसका प्रचार भी कर सकते हैं। Freedom of religion is subject to certain limitation. But again, यहाँ पे limitations हैं। Government impose कर सकती है restriction on the practice of freedom of religion in order to protect public order, morality and health, जैसे कि आजकल हमने देखा बहुत सारे, अभी अमरनाथ यात्रा कैंसिल हुई थी, then several other occasion में इस टाइप के जो processions थे उनको stop किया गया। Why? Because health यहाँ पे एक criteria आ गया। This means that freedom of religion is not an unlimited right। यहाँ पे COVID-19 के कारण, mutual understanding and agreement के कारण ये सारे measures लिए गए। The government can interfere in religious matter for rooting out certain social evils as well. For example, in the past, the government has taken steps banning practices like sati, bigamy or human sacrifices. Such restrictions cannot be opposed in the name of interference in rights to freedom of religion. Now, in sabko freedom of religion ka violation nahi mana jayega. Limitations hai on the right to freedom of religion.
always produce tension between followers or various religions and the government. Now, ये काफ़ी sensitive matter रहता है हमारी society में. When the government seeks to restrict some activities of any religious group, people of that religion feel कि this is interference in their religion. Freedom of religion, matter of political controversy भी हो जाता है अक्सर, yet another reason है. Constitution has guaranteed the right to propagate one's religion. इसका मतलब है this includes persuading people to convert from one religion to another. आपका जो religion है आप उसका propagation प्रचार कर सकते हैं. However, some people resent conversion on the ground कि these are based on intimidation, मतलब forced है, डरा धमका के हो रहा है या फिर inducements है वहाँ पे. Constitution does not allow forcible conversions. It only gives us the right to spread information about our religion and thus attract others to it. So, एक informed choice होना चाहिए, forceful conversions नहीं होने चाहिए. Then, equality of all religion है. Being a country which is home to several religions, it is necessary government must extend equal treatment to different religion. India में diversity है, तो equal treatment to different religions. Negatively, it means that government will not favor any particular religion. India does not have any official religion. We don't have to belong to any particular religion in order to be a prime minister or president or judge or any other public official. Religion doesn't matter. We have also seen that under the right to equality, there is a guarantee that government will not discriminate on the basis of religion in giving employment. Employment mein religion is not a criteria. The institution run by the state will not preach any religion or give religious education. Jo sarkari hai institutions, wahan pe aisa nahi hoga. Nor will they favor person of any religion. Kisi bhi religion ke liye bias nahi hoga. The objective of these provision is to sustain and nurture the principle of secularism. Ye hamari bahut badi strength hai. We are a secular nation. तो ये कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ अक्सर होती है सोसाइटी में, विलेजेस में, सिटीज़ में, एट्सेट्रा. फिर एक कहता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. कल्चर और एजुकेशन का भी राइट है. सो व्हेन वी टॉक ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इमेज ऑफ डाइवर्सिटी आती है. इंडिया में यूनिटी है इन डाइवर्सिटी हमारे माइंड्स में आती है. इंडिया इज़ नॉट मेड अप ऑफ अ मोनोलिथिक सोसाइटी. वी आर अ सोसाइटी दैट हैज़ वास्ट डाइवर्सिटी. सो इस सोसाइटी में जो फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, there would be social sections which are small in number compared to some other group. तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप भी होगा. So if a group is a minority, will it have to adopt the culture of the majority? No. Constitution में सबको बराबर protection है. Constitution believe करता है diversity is our strength. Therefore, one of the fundamental right is the right of the minority to maintain their culture. Minority को पूरा अधिकार है, वो अपना culture maintain कर सकती है. This minority status is not dependent only or upon religion. Religion ही नहीं, भाषा का भी minority होता है, culture का minority होता है, ये भी included है इस provision में. Minorities are groups that have common language है, religion है, particular part of the country में और in the country as a whole में. ये outnumber हो जाते हैं, मतलब इनका number कम है some social section का. सच कम्युनिटी का एक कल्चर होता है, लैंग्वेज होती है, खुद की एक स्क्रिप्ट हो सकती है एंड दे हैव द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप दिस. और उनको पूरा पूरा अधिकार है कि वो अपनी स्क्रिप्ट, कल्चर, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करें. ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस, लिंग्विस्टिक कैन सेटअप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं. बाई डूइंग सो दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर टू. Government will not, while granting aid to educational institution, government ऐसा कुछ discriminate नहीं करेगी against any educational institution on the basis that it is under the management of minority community. तो ये सरदार हुकुम सिंह 1949 में इन्होंने कहा था, heavy responsibility would be cast on the majority to see that in fact the minority feels secure. तो majority की ये responsibility है कि वो minority को secure feel कराए. The only safety for the minority lies in a secular state. It pays them to be nationalist. The majority community should not boast of their national outlook. They should try to place themselves in the position of the minority and try to appreciate their fear. दूसरों के shoes पे एक बार रख के सोचना चाहिए, then we get a better perspective. All demands for safeguard are the product of those fears that our minorities have in their mind. As regard their language, their script and also about the services. So very good lines. ये 1949 में founding जो fathers थे, इन लोगों ने ये बात कही थी.
सो ये बात आती है सेक्युलरिज्म की। अब इंडियन सेक्युलरिज्म होता है ये स्लाइटली डिफरेंट होता है, जो यूजुअली ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट और जो रिलीजन है दोज आर टू सेपरेट थिंग। इंडिया में ऐसा होता है कि वी विल ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। तो ये जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म भी कहते हैं हम इसे। ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। वन वुड एग्री दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अ वेरी इंप्रेसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, बट मेयरली राइटिंग डाउन अ लिस्ट ऑफ राइट इज़ नॉट इनफ। केवल चीज़ों को डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होता है, उसकी गारंटी एनफोर्स कराने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। देर हैज़ टू बी अ वे थ्रू विच दे कुड बी रियलाइज इन प्रैक्टिस और डिफेंड हो सके अगेंस्ट एनी अटैक ऑन दीज राइट्स। तो उसके लिए आती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इज द मीन्स थ्रू विच दिस इज टू बी अचीव्ड। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कंसिडर किया था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज सो बिकॉज दिस राइट गिव्स अ सिटीजन द राइट टू अप्रोच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट टू गेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट रीस्टोर्ड इन केस ऑफ देयर वॉयलेशन। तो FR का अगर वॉयलेशन हो रहा है, यू कैन गो टू हाई कोर्ट, यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर्स एंड गिव डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट। इसमें अगर अपन और डिटेल में देखें तो सुप्रीम कोर्ट विल ऑलवेज लिसन टू यू यहाँ पे, और हाई कोर्ट का एम्बिट थोड़ा ब्रॉडर होता है इन सब रिट्स के लिए। सो ये जो पहला है दैट इज कॉल्ड दिस हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब ब्रिंग द बॉडी, वेयर इज द बॉडी। अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस मीन्स कोर्ट ऑर्डर करेगा कि अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्ट्री। मतलब कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको प्रेजेंट करें उनके सामने, ब्रिंग द बॉडी, और अगर वो अरेस्ट हुए हैं मैनर जो फेयर नहीं है, अनलॉफुल नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो कोर्ट फ्री भी करने का ऑर्डर दे सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड दिस हैबियस कॉर्पस, ब्रिंग द बॉडी। मैंडेमस, मैंडेमस मतलब वी कमांड। द रिट इज इशूड वेन द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। एक ऑफिस में आपको बैठाया है, आप अपना काम नहीं कर रहे हो, तो मैंडेमस आएगा। Thereby is infringing on the right of an individual, so that is mandamus. Prohibition मतलब किसी चीज़ करने से रोकना। The writ is issued by a higher court, higher court, high court या supreme court, lower court को ये writ issue करती है। Considered a case going beyond its jurisdiction में prohibit करेगी कुछ काम करने से। Quo warranto होता है, मतलब question पूछ रहा है। If the court finds that a person is holding office but वो entitled नहीं है to hold that office, इट इशूज़ द रेट ऑफ को वॉरेंटो। ये रिस्ट्रिक्ट करता है दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर। फिर ये है सर्टियोरारी, इसका मतलब है कोर्ट ऑर्डर कर रहा है लोअर कोर्ट को टू अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और कोर्ट। तो ये मतलब बोल रहा है कि आप मुझसे सर्टिफिकेट लो, आप ये केस मेरे पे ट्रांसफर करो, आई विल लुक इन टू दिस मैटर। सो दैट इज सर्टियोरारी। ये बहुत बेसिक चीज़ यहाँ पे लिखी है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वॉरेंटो, सर्टियोरारी। इसमें और भी फाइन डिटेल्स हैं, विल टॉक देम सेपरेटली। जैसे आई एम इन माइनॉरिटी इन माई लोकेलिटी बट मेजॉरिटी इन द टाउन माइनॉरिटी, इफ़ यू लुक एट माई लैंग्वेज बट मेजॉरिटी इफ यू गो बाय माई रिलीजन, आर एंड वी ऑल माइनॉरिटीज। सी, वेरी गुड क्वेश्चन। माइनॉरिटी डिपेंडिंग अपॉन लैंग्वेज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ तमिलियन, यू आर लिविंग इन सम नॉर्थ इंडिया की किसी सिटी में रह रहे हैं, हो सकता है आप माइनॉरिटी हैं वहाँ पे बाय लैंग्वेज। तो लैंग्वेज, रिलीजन, देर कुड बी सो मेनी थिंग्स। सिमिलरली नॉर्थ इंडियन अगर से केरला में रह रहा है तो वहाँ उनकी भाषा माइनॉरिटी में है, तो ऐसा भी हो सकता है। देन ये बात आती है, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, राइट ऑफ वुमेन, माइनॉरिटी, दलित्स, बिसाइड्स द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश्ड हैं टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल एंड अदर काइंड्स ऑफ राइट्स। तो ये चीज़ें हमने बनाई हैं। जुडिशरी के अलावा ये दूसरे मैकेनिज्म है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए, जैसे नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, और ये इस टाइप से NHRC भी। वॉट इज दिस NHRC? रियल टेस्ट ऑफ द राइट्स गिवन बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज इन देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो डिक्लेयर करना स्कीम्स इज ईजी, इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट। तो ये फोकस कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन में। पुअर, जो इलिटरेट हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, मस्ट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, ये ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्क कर रहे हैं एज अ वॉच डॉग अगेंस्ट द वॉयलेशन ऑफ राइट्स में। इसी बैकग्राउंड में 1993 में आया था NHRC।
NHRC बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, कंपोज्ड ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं इसमें, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एंड टू अदर मेंबर हु हैव नॉलेज इन, इसमें और भी मैंडेट ब्रॉडन है। कमीशन फंक्शन करता है इंक्लूड इंक्वायरी, इसमें डिफैक्टो मेंबर्स भी हो जाते हैं जो इन कमीशंस के चीफ होते हैं, जैसे माइनॉरिटी, विमेन एंड इन सब के जो कमीशन के चीफ होते हैं वो भी डिफैक्टो इनके मेंबर बन जाते हैं। कमीशन रिसीव करता है कंप्लेंट्स इन थाउजेंड्स एवरी ईयर, ये रिलेट होता है लाइक कस्टडियल डेथ, कस्टडियल रेप, डिसअपियरेंसेस, पुलिस एक्सेसेस, फेलियर्स, इनडिग्निटी टू वुमेन, इन सब चीज़ों को ये देखता है। सुओ मोटो कॉग्निजांस भी लेता है। इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन हैज़ बीन ऑन पंजाब में जो ऐसे केसेस हुए थे। कमीशन डज नॉट हैव द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं है, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, फाइंडिंग सबमिट करेंगे। इट कैन मेयरली मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट, रिकमेंड टू द कोर्ट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स बेस्ड ऑन द इंक्वायरी व्हाट इट कंडक्ट्स। आप इस वेबसाइट को देखो, इसमें बहुत सारा लेटेस्ट, इसके अबाउट सेक्शन में जाओगे काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें दी है, हैव अ लुक, लेटेस्ट चीज़ वहाँ पर मिलेंगी। फिर आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, दे न्यू दैट इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज गोइंग टू फेस मैनी चैलेंजेस, सो फॉरमोस्ट अमंग दीज वॉज द चैलेंज टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी, होना बहुत ज़रूरी है, वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन्स होना ज़रूरी है। तो कुछ डायरेक्टिव्स देते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं स्टेट को कि इस तरीके से आपको काम करना है। दे ऑल्सो थॉट दैट सर्टन पॉलिसी डायरेक्शन वॉज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग दीज प्रॉब्लम। At the same time, Constitution did not want future government to be bound by certain policy decisions. So, इस तरीके से directive principles of state policy आते हैं। Therefore, some guidelines were incorporated in the Constitution, but they were not made legally enforceable. तो fundamental rights तो enforceable हो गए, but DPSP जो थे उनको enforceable नहीं किया गया। This means that if a government did not implement a particular guideline, we cannot go to the court. Ask the court to instruct the government to implement that policy. So that is why DPSP के लिए आप court नहीं जा सकते। These guidelines are non-justiciable होती है। ये क्या होती है? Non-justiciable होती है। Parts of the constitution है that cannot be enforced by the judiciary. So those who framed our constitution thought that moral force behind these guidelines would ensure कि जो government है would take them seriously. तो यहाँ legal force नहीं है, but यहाँ पे moral force ज़रूर है। Besides, they expected that people would also hold the government responsible for implementing these directives. मतलब सरकार काम नहीं कर रही है तो लोग क्या करेंगे, उनको चुनाव पे देख लेंगे। So a separate list of policy guideline is included in the constitution. The list of these guidelines is called the directive principles of state policy. Let us have a quick look. What do the directive principles contain? ये जो chapter है DPSP का, that lists mainly three things. पहला, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट। क्या गोल और ऑब्जेक्टिव्स हमें एज अ सोसाइटी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एन्जॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट तो हैं, साथ ही साथ आपको DPSP भी मिलेंगे। सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। सो यू मे गेट सम आइडिया ऑफ द विजन ऑफ मेकर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाई लुकिंग एट सम ऑफ द DPSP शोन बिलो। गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई करती है टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सेवरल जमींदारी अबॉलिशन बिल लाया गवर्नमेंट के, आप वर्क देखना वो DPSP के अराउंड होता है। इसको अभी हम आगे देखते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक हुआ, न्यूमरस फैक्ट्री लॉज आए, फिक्स्ड मिनिमम वेजेस हुआ, कॉटेज स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रमोट किया गया, प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वर मेड। ये सब क्या है? ये सब DPSP में मेंशन है। Such efforts to give effect to the directive principles include right to education hai, formation of panchayati raj hai all over the world, then partial all over the country, partial right to work hai under employment guarantee program hai, narega hai, and the midday meal schemes bhi hai. So what are these? These are instruments of instruction. These are DPSPs. Phir hoti hai fundamental duties. 76 mein 42nd amendment constitution pass hua। पहले क्या था, फंडामेंटल ड्यूटी का कोई प्रोविज़न नहीं था। फिर बाद में ये देखा गया कि अगर आपको राइट दिए हैं तो कुछ ड्यूटी भी होनी चाहिए, कोरिलेट होना चाहिए। तो अमंग अदर थिंग्स अमेंडमेंट इंसर्टेड अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। तो 10 ड्यूटीज़ यहाँ पे एनुमरेटेड है, बाद में ऐड भी होगा। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से अगेन DPSP एनफोर्स नहीं है, ये भी एनफोर्स नहीं है। Citizens, we must abide by the constitution, defend our country, promote harmony among all citizens and protect the environment as well.
However, it must be noted that our constitution does not make the enjoyment of rights dependent on conditional upon fulfillment of duty. आप अपना duty कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, that's a separate thing. Rights तो सरकार आपको सारे देगी. Now it is up to you कि आप अपनी duty in return करते हैं या नहीं करते हैं. In this sense, inclusion of fundamental duty has not changed the status of fundamental right. Fundamental rights थे, हैं और हमेशा रहेंगे. Duties is up to you कि आपको अपनी duties perform करनी है. तो ये अभी हमने यहाँ पे इतने केसेस देखे कि फंडामेंटल राइट्स क्यों ज़रूरी है. जैसे कई बार यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन होता है, उन सब केसेस में सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट्स एक्शंस भी लेती है. फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी हैं, डीपीएसपी ज़रूरी है. तो रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी क्या हुआ? इट इज़ पॉसिबल टू सी बोथ एफआर एंड डीपीएसपी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं. फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रेन करता है गवर्नमेंट को फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग, मतलब ये नेगेटिव अंडरटोन है. और जो डीपीएसपी है ये एग्जॉर्ट करता है गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स. फंडामेंटल राइट मेनली प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल. डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंश्योर करता है वेलबींग ऑफ द एंटायर पॉजिटिविटी. तो डीपीएसपी पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, जैसे ये सारे डीपीएसपी है. गोल्स क्या हैं? जैसे हमारा गोल है वेलफेयर ऑफ द पीपल चाहिए, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं. रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, हम प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल पीस को. नाउ इट इज़ योर एक्सरसाइज होमवर्क इनको नंबर वाइज करें. जैसे हम अगर देखें तो 36 टू 51 तक ये डीपीएसपी है, तो लेट अस नंबर देम. फॉर एग्जांपल ये किस नंबर पे है, ये किस नंबर पे, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल होता है, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, विलेज पंचायत, ये पॉलिसीज हैं. इनको अपन गांधीयन, यूटिलिटेरियन, लिबरल में भी क्लासिफाई कर सकते हैं. ये नॉन जस्टिसिएबल राइट्स हैं, जैसे नॉट एडिक्वेट लाइवलीहुड है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए फॉर मैन एंड वुमेन, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू वर्क, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years. सो दीज आर सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल. टेल मी वॉट इज द पॉइंट ऑफ सेइंग नाइस थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इफ दीज कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बाई एनी कोर्ट. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो जस्टिसिएबल हैं, बट डीपीएसपी भी इन पे एक मोरल और पॉलिटिकल प्रेशर डालते हैं सरकार में टू डू दीज थिंग्स. अब यहाँ पे लिखा है एट टाइम्स व्हेन गवर्नमेंट इंटेंड टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी इट कैन कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट. अक्सर ऐसे क्लैशेज होते हैं, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं. फिर फाइनली बेडरॉक बताया और एक बैलेंस बनाने की बात की. दिस प्रॉब्लम अरोज व्हेन द गवर्नमेंट सॉट टू पास लॉज टू अबॉलिश जमींदारी सिस्टम. दीज मेजर्स अपोज्ड ऑन द ग्राउंड वॉयलेटेड राइट टू प्रॉपर्टी. तो एफआर और डीपीएसपी का क्लैश हो जाता है. हाउएवर कीपिंग इन माइंड द सोसाइटल नीड greater than the individual interest that government amended the constitution to give effect the directive principles of state policy. इसमें अगेन लीगल बैटल होगा. जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जुडिशरी हैं, ये डिफरेंट पोजिशंस लेंगे. गवर्नमेंट क्लेम करेगी सर्टेन थिंग अब्रिज्ड फॉर गिविंग इफेक्ट टू डीपीएसपी. आर्ग्यूमेंट्स पास ऑन होंगे, अज्यूम दैट राइट्स वर अ हिंड्रेंस टू वेलफेयर ऑफ द पीपल. फिर कोर्ट हेल्ड करेगी व्यू कि जो फंडामेंटल राइट्स वर सो इम्पॉर्टेंट एंड care sacred that they cannot pass be limited even for purpose of implementing DPSP. तो ऐसे बहुत एक number of series of cases होंगे. 39 जो B है और 39 C है, इनको precedence मिल जाएगा this right to equality के ऊपर. there would be so many cases, but in the end जो conclusion होगा वो ये होगा कि ये DPSP and FR are complementary हैं एक दूसरे के. right to property फिर बाद में FR से एक normal right बन जाएगा. Behind the controversy about the relation between the rights and directive principles, one important reason tha, originally there was a fundamental right to acquire, possess and maintain property. Constitution ne ye clear kiya ki property could be taken away by the government for public welfare. 1950 mein government made many laws limited this right to property. This right was at the center of a long debate over the relationship between right and DPSP. 73 mein गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि राइट टू प्रॉपर्टी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देयरफॉर पार्लियामेंट हैड पावर टू अब्रिज दिस राइट बाय एन अमेंडमेंट. 78 में 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का आया, उसने रिमूव किया राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट की लिस्ट से और उसको एक सिंपल लीगल राइट बना दिया आर्टिकल 300A के अंदर. तो ये चेंज हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम.
73 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी हुए, ये हम हायर क्लासेस में देखेंगे, केसवानंद भारती केसेस एंड ऑल, जिसमें बात किया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी। सो व्हाट डिफरेंसेस डू यू थिंक दिस चेंज ऑफ स्टेटस मेक्स टू द राइट टू प्रॉपर्टी? तो इसमें ये अब 300A में आ गया है, पहले ये फंडामेंटल राइट्स में था। दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड डिबेट, दिस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट से कहती है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट बोलता है पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी अमेंडमेंट दैट वायलेटेड द फंडामेंटल राइट। ये कॉन्ट्रोवर्सी सेटल होगी बाय एन इंपॉर्टेंट डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केसवानंद भारती केस। इस केस में कोर्ट बोलेगी सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज कैन नॉट बी चेंज्ड बाय पार्लियामेंट। वी शैल डिस्कस इन ग्रेट डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, चैप्टर 9। वी आर गोइंग वेरी सिस्टमैटिकली, पहले 9th, फिर 10th, फिर 11th, ग्रेजुअली हम अपना लेवल ऐसे अप कर रहे हैं। सो ये तो था अब कंक्लूजन। राइटिंग्स में ज्योतिराव फुले 1827-90 एक रेडिकल सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र, वी फाइंड वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द व्यू दैट राइट्स इंक्लूड बोथ फ्रीडम भी होना चाहिए और इक्वालिटी भी होना चाहिए। नेशनल मूवमेंट में आइडिया ऑफ राइट वॉज फर्दर शार्पन एक्सपेंडेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ने रिफ्लेक्ट किया लॉन्ग ट्रेडिशन, लिस्टेड द फंडामेंटल राइट। 50 में जुडिशरी हैज़ फंक्शन एज एन इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टर ऑफ राइट 1950 के बाद से। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एक्सपैंड किया द स्कोप ऑफ राइट को, जैसे राइट टू लाइफ का स्कोप काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवर कंट्री फंक्शन करती है विद इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क। राइट्स एनफोर्स करते हैं लिमिटेशंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड एंश्योर करते हैं इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है कंट्री में। सो दिस इज द चैप्टर। नाउ द टाइम इज फॉर एक्सरसाइज। ट्रू ऑफ फॉल्स बताइए। बिल ऑफ राइट लेज डाउन द राइट्स एंजॉयड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री, ट्रू ऑफ फॉल्स? बिल ऑफ राइट प्रोटेक्ट्स द लिबर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल। एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ अ बिल ऑफ राइट, क्या ऐसा है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है रेमेडी अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्रिप्शन है फंडामेंटल राइट का? ऑल द राइट्स इंडिविजुअल शुड हैव, ऑल द राइट्स गिवन टू सिटीजन्स बाय लॉ, द राइट्स गिवन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट एवर बी रिस्ट्रिक्टेड। तो इसमें से बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? एफ आर। रीड करें फॉलोइंग को। विच फंडामेंटल राइट इज बींग यूज और वायोलेटेड इन ईच केस में सी। एक ओवरवेट मेल केबिन क्रू है अलाउड टू गेट प्रमोशन इन द नेशनल एयरलाइन, बट वेमेन कॉलिग को वेट के बेसिस पे पिनलाइज किया जा रहा है, तो क्या ये किस चीज़ का वॉयलेशन है? डायरेक्टर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, क्या ये कोई वॉयलेशन है? पीपल डिस्प्लेस कर रहे हैं बिग डैम को आउट अ रैली डिमांडिंग रिहैबिलिटेशन, ये क्या है? आंध्रा सोसाइटी रन्स तेलुगु मीडियम स्कूल्स आउटसाइड आंध्र प्रदेश। अब यहाँ करेक्ट इंटरप्रिटेशन बताना है कल्चरल और एजुकेशनल राइट का। ओनली चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी ग्रुप दैट हैज ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन स्टडी, क्या ऐसा है क्या? गवर्नमेंट स्कूल्स एंश्योर करें चिल्ड्रन ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप को इंट्रोड्यूस टू देयर बिलीफ एंड कल्चर। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी कैन ओपन स्कूल्स फॉर देयर चिल्ड्रन एंड कीप इट रिजर्व फॉर देम, रिजर्व्ड फॉर देम, क्या ऐसा होगा? लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी कैन डिमांड दैट देयर चिल्ड्रन मस्ट नॉट सप्लाई नॉट स्टडी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट दोज मैनेज्ड बाय देयर ओन कम्युनिटी। वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इसमें से क्या है? मिनिमम वेजेस नहीं देना, बैन करना बुक को, लाउड स्पीकर को बैन करना आफ्टर 9 PM, मेकिंग अ स्पीच, एक्टिविस्ट वर्क कर रहा है, पुअर से दैट पुअर डोंट नीड फंडामेंटल राइट्स, वॉट दे नीड आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू बी मेड लीगली बाइंडिंग। तो क्या आप इससे अग्री करते हैं कि वो DPSP को लीगली बाइंडिंग करना चाहते हैं? गिव योर रीजंस एज वेल। रिपोर्ट्स आती हैं कास्ट ग्रुप्स प्रीवियसली एसोसिएटेड विद स्केवेंजिंग आर फोर्स टू कंटिन्यू इन दिस जॉब, विच इज रॉन्ग। दोज इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी रिफ्यूज टू देम एनी अदर जॉब। चिल्ड्रन आर डिस्करेज फ्रॉम परस्यूइंग एजुकेशन। तो इसमें कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं? पेटिशन है ह्यूमन राइट ग्रुप की, अटेंशन कोर्ट का कर रही है स्टार्वेशन और हंगर में। 5 crore टन फूड ग्रीन स्टोर्ड है गोदाउन में। रिसर्च बता रही है राशन कार्ड होल्डर डू नॉट नो द क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रीन दे कैन परचेज फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप। रिक्वेस्ट हुआ कोर्ट में, गवर्नमेंट को बोला इम्प्रूव करें PDS। तो विच डिफरेंट राइट्स डज दिस केस इन्वॉल्व, इस पूरे में कौन से केसेस इन्वॉल्व हैं? हाउ आर दीज राइट्स इंटरलिंक्ड? शुड दीज राइट्स फॉर्म पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ? देन रीड करें सेंटेंस स्टेटमेंट को। सोमनाथ लहरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोट किया इन दिस चैप्टर, डू यू अग्री विद देम? इफ यस गिव इंस्टेंसेस टू प्रूव इट, इफ नॉट गिव आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस पोजिशन। एंड विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज इन योर ओपिनियन द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट
समराइज करें इट्स प्रोविजन एंड गिव आर्ग्यूमेंट टू शो व्हाई इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये चैप्टर हमने पढ़ा अभी राइट्स के बारे में। इसमें हमने पढ़ा राइट टू प्रॉपर्टी, ये डिफरेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, DPSP है। देन ये फंडामेंटल्स हैं, ये DPSP है, ये है NHRC, ये है रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटी एंड सर्टियो रॉरी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, कल्चरल एजुकेशनल राइट, रिलीजन का राइट है, वर्शिप रिलीजन। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट्स ऑफ अक्यूज्ड है, फ्रीडम्स दी गई हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन पे राइट्स हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम इज देयर। देन देयर इज ऑल्सो 16(4) जो रिजर्वेशन को भी सेफगार्ड करता है। ये है हमारे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो दिस इज चैप्टर नंबर 2, द नेम इज राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।